ईश्वर ने संसार से इतना प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को क्रूस पर अर्पित कर दिया। वही ईश्वर का मेमना हमारे पापों से मुक्ति दिलाने के लिए अपने आप को क्रूस पर अर्पित करता है, जिसने सबको प्रेम, दया, करुणा, क्षमा का पाठ सिखाया। आइए हम सब अपने आप इस क्रूस रास्ते में प्रभु का अनुगमन करने के लिए खुद को तैयार करें। हे संसार की मुक्ति दाता, मैं अपना तन, मन और धन तुझे अर्पित करती हूँ। मैं तेरे क्रूस मार्ग के दुखों की याद करते हुए अपने पापों पर पछताती हूँ, जो मैंने जानबूझकर या अनजाने में किए हैं। तेरे क्रूस मार्ग मुझे मेरे पापों से मुक्त करे और मैं तेरा अनुकरण अपने व्यवहार और आचरण में ला सकूं। मुझे बल दे कि मैं पूरे विश्वास से अपने दैनिक जीवन के कष्ट और अपमान तेरे पवित्र क्रूस के नाम से सह सकूं। गेतसेमनी बारी में उनकी मानवता प्रकट हुई, जिसने सबका किया भला, जिसने सबका किया भला, उसको ही सबने नकार दिया। नकार दिया, नकार दिया। पहला विश्राम, यीशु ख्रिस्त को प्राण दंड की आज्ञा दी जाती है। हे ख्रिस्त, हम तेरी आराधना करते हैं और तुझे धन्य मानते हैं, क्योंकि तूने अपने दुख भोग मरने व पुनर्जन्म द्वारा दुनिया को बचाया है। सबका उद्धारक बंदी बना, जीवन देने वाला बैरी बना, न्यायकर्ताओं नेताओं के सामने है वो खड़ा। कोड़ों की मार से जिस्म छन्नी हुआ, जिसके पास चंगाई लेने जन सैलाब आया, उसी प्रभु को उन्होंने पिलातुस के सामने लाया। तूने प्रेम की खातिर कुछ न कहा, अन्याय के साथ उन्होंने क्रूस पर चढ़ाने का नारा लगाया। हे यीशु मेरे गुरु, मेरे खातिर आपने अन्यायपूर्ण आज्ञा को स्वीकारा, पापों से मुक्ति देने मुझे तूने क्रूस का काट अपनाया। हे प्रभु दया कर, दया कर, मुझ पापी पर दया कर, दया कर। हे प्रभु दया कर, मुझ पापी पर दया कर। मृत विश्वासी परमेश्वर की दया से स्वर्ग का अनंत सुख प्राप्त करें। आमीन। स्वर्ग राज के राजा को काटों का ताज पहना दिया, जिसने सत्य का सार दिया, जिसने सत्य का सार दिया, उस यीशु को सबने क्रूस दिया। क्रूस दिया,
क्रूस दिया। दूसरा विश्राम, यीशु के कंधे पर क्रूस लादा जाता है। हे ख्रिस्त, हम तेरी आराधना करते हैं और तुझे धन्य मानते हैं, क्योंकि तूने अपने दुख भोग मरने व पुनर्जन्म द्वारा दुनिया को बचाया है। पवित्र आत्मा का आभूषण धारण कर वह मनुष्य बना, सिपाहियों की हंसी और मजाक का वह मोहरा बना, जिसने अपने शरीर से बहे लहू के हर कतरे को अपने हाथों को बढ़ाकर बड़ी सौम्यता से क्रूस को कबूल करा। न जाने ये जमाना उसके प्रेम को, कोढ़ों की मार से कमजोर शरीर पर क्रूस रख कर वो आगे बढ़ा। हे यीशु मेरे गुरु, मुझे अपने जैसा बना, दुख और तकलीफ को धीरज से सहना मुझे सिखा, तेरे नाम पर आई विपत्तियों को आत्मत्याग कर तेरे जैसा मुझे दृढ़ बना। हे प्रभु दया कर मुझ पापी पर, दया कर मृत विश्वासी परमेश्वर की दया से स्वर्ग का अनंत सुख प्राप्त करें। आमीन। भारी क्रूस कांधे पर, भारी क्रूस कांधे पर, कलवारी की ओर वो आगे बढ़ा। थका हारा शरीर प्रभु का, थका हारा शरीर प्रभु का, क्रूस के नीचे वो पहली बार गिरा। पहली बार गिरा, पहली बार गिरा। तीसरा विश्राम, यीशु पहली बार क्रूस के नीचे गिरते हैं। हे ख्रिस्त, हम तेरी आराधना करते हैं और तुझे धन्य मानते हैं, क्योंकि तूने अपने दुख भोग मरने व पुनर्जन्म द्वारा दुनिया को बचाया है। कोड़ों की मार और कांटों के मुकुट से उसका स्वागत हुआ। उस निर्दोष यीशु का शरीर बेहाल हुआ। सैनिकों की क्रूरता से वो बेसहारा हम पापियों के बोझ से दबकर जमीन पर गिर। हे यीशु मेरे गुरु, मुझे अपने जैसा बना, मेरे पापों का जुआ मुझे ढोना सिखा, सहनशील और शिष्टाचार का आदर्श बना, अंधकार और पाप में गिरे लोगों को ज्योति की राह पर चलना सिखा। हे प्रभु दया कर मुझ पापी पर, दया कर हे प्रभु दया कर मुझ पापी पर, दया कर मृत विश्वासी परमेश्वर की दया से स्वर्ग का अनंत सुख प्राप्त करें। आमीन।
चलते चलते राहों में, चलते चलते राहों में, यीशु ने जब माँ को देख लिया, दर्द भरी आहों में, दर्द भरी आहों में, दोनों का है ये कैसा मिलन। कैसा मिलन, कैसा मिलन। चौथा विश्राम, यीशु अपनी शोकाकुल माता से मिलते हैं। हे ख्रिस्त, हम तेरी आराधना करते हैं और तुझे धन्य मानते हैं, क्योंकि तूने अपने दुख भोग मरणी व पुनर्थान द्वारा दुनिया को बचाया है। जिस पुत्र को अपनी गोद में खिलाया, वही आज उनकी आंखों के सामने लहूलुहान हुआ। बेसहारा, जुल्म से हारा, अपनी माँ की अखियों का तारा, आज दोनों ने कुछ न कहा, बस हृदय से अपने दुख को एक दूसरे पर व्यक्त किया। हे यीशु मेरे गुरु, मुझे अपने जैसा बना, तेरे प्यार में मुझे अपनी माँ मरियम के समान अनुयायी बना, दुख और तकलीफों में दुखों को सहर्ष झेलने की पावन अग्नि मुझ में सुलगा। हे प्रभु दया कर, दया कर, मुझ पापी पर दया कर, दया कर। मृत विश्वासी परमेश्वर की दया से स्वर्ग का अनंत सुख प्राप्त करें। आमीन। खेत से लौटते सिमोन को सैनिकों ने उसको पकड़ लिया, जिसने सबको प्राण दिया, जिसने सबको प्राण दिया, वही यीशु को सिमोन ने सहारा दिया, सहारा दिया, सहारा दिया। पांचवा विश्राम, सैनिक किरिन निवासी सिमोन को यीशु का क्रूस उठाकर ले चलने के लिए बाध्य करते हैं। हे ख्रिस्त, हम तेरी आराधना करते हैं और तुझे धन्य मानते हैं, क्योंकि तूने अपने दुख भोग मरणी व पुनर्थान द्वारा दुनिया को बचाया है। लड़खड़ाता यीशु का लहूलुहान शरीर, क्रूस के बोझ और सैनिकों के कोड़ों से बेहाल हुआ, निर्बलता और थकावट के कारण उसका अकेला चलना भी दुश्वार। हे यीशु मेरे गुरु, मुझे अपने समान बना, कुड़कुड़ाकर नहीं बल्कि धीरज के साथ दुख सहना सिखा, ईश्वर के प्रेम और हिम्मत से मुझे चला, दूसरों के दर्द और पीड़ा में मुझे उनका सहारा बना। हे प्रभु दया कर, दया कर,
मुझ पापी पर दया कर। मृत विश्वासी परमेश्वर की दया से स्वर्ग का अनंत सुख प्राप्त करें। आमीन। वेरोनिका ने तौलिए से, वेरोनिका ने तौलिए से तेरा लहू लुहान मुख पोछ दिया। हाथों से जिसने सब कुछ हुआ, हाथों से जिसने सब कुछ हुआ, उस प्रभु का चेहरा लहू से छुप ही गया। लहू से छुप ही गया, लहू से छुप ही गया। छठवां विश्राम, वेरोनिका यीशु का चेहरा पोंछती है। हे ख्रिस्त, हम तेरी आराधना करते हैं और तुझे धन्य मानते हैं, क्योंकि तूने अपने दुख भोग मरने व पुनर्धान द्वारा दुनिया को बचाया है। हे दया सागर प्रभु यीशु, ये कैसा पल आया जब तेरा पवित्र मुख लहू से छुप गया। रोगियों, अपंगों और भूखों का सहारा तू बना और आज अपना रक्त रंजित चेहरा वेरोनिका के तौलिए में छाप दिया। हे यीशु मेरे गुरु, मुझे अपने जैसा बना, निसहाय और बेसहारों का सहारा बना। स्नान संस्कार में तूने मुझे अपना बनाया है। पवित्र आत्मा के वरदानों और फलों से, विनम्रता, सौम्यता और सहनशीलता से मुझ पापी को अपनाया है। हे प्रभु दया कर, दया कर, मुझ पापी पर दया कर, दया कर। मृत विश्वासी परमेश्वर की दया से स्वर्ग का अनंत सुख प्राप्त करें। आमीन। लहू की धारा बहती गई, लहू की धारा बहती गई, सैनिकों ने फिर भी तुझ पर जुल्म किया। धूप छाव का खेल हुआ, धूप छाव का खेल हुआ, थक कर यीशु दूसरी बार गिरा। दूसरी बार गिरा, दूसरी बार गिरा। सातवां विश्राम, यीशु दूसरी बार गिरते हैं। हे ख्रिस्त, हम तेरी आराधना करते हैं और तुझे धन्य मानते हैं, क्योंकि तूने अपने दुख भोग मरने व पुनर्धान द्वारा दुनिया को बचाया है। कोढ़ों की मार और कांटों के छेदन से
प्रभु तेरा काफी लहू बहा। मरियम की कोख से जन्मा मुक्तिदाता निष्प्राण होकर पुनः दूसरी बार गिरा। हे यीशु मेरे गुरु, मुझे अपने जैसा बना, सैनिकों के लात घूसों का तू खिलौना बना। हाँ, मैं जानती हूँ कि मेरे पाप करने के कारण तुझे इतने दुख और निंदा सहनी पड़ी। हे प्रभु दया कर मुझ पापी पर दया कर। मृत विश्वासी परमेश्वर की दया से स्वर्ग का अनंत सुख प्राप्त करें। आमीन। क्रूस उठाकर फिर से चला, क्रूस उठाकर फिर से चला। रोती बिलखती नारियां उनको मिली, खुद के गम से वो आगे बढ़ा, खुद के गम से वो आगे बढ़ा। अपने बच्चों पर रोने को उनको कहा, रोने को उनको कहा, रोने को उनको कहा। आठवां विश्राम। यरूशलेम की स्त्रियां यीशु के लिए कलपती हैं। हे ख्रीस्त, हम तेरी आराधना करते हैं और तुझे धन्य मानते हैं, क्योंकि तूने अपने दुख भोग मरने व पुनरुत्थान द्वारा दुनिया को बचाया है। प्रभु यीशु को क्रूस लादकर असहाय दुख और पीड़ा देखकर यरूशलेम की धार्मिक स्त्रियों के आंसुओं का जल से लावाया। मेरे लिए नहीं बल्कि अपने और अपने बच्चों के लिए रो। इतना ही कहकर यीशु ने उन्हें धारस बंधाया। हे यीशु मेरे गुरु, मुझे अपने समान बना, मुझे मेरे विश्वास में मजबूत बना। इस जीवन को जीने की शैली मुझे सिखा। पाप में फंसे मेरे अपनों को विश्वास की राह पर चला। हे प्रभु दया कर मुझ पापी पर दया कर। दया कर हे प्रभु दया कर मुझ पापी पर दया कर। मृत विश्वासी परमेश्वर की दया से स्वर्ग का अनंत सुख प्राप्त करें। आमीन। इतना जुल्म किसने सहा, इतना जुल्म किसने सहा। शरीर का उसका अंग अंग निर्बल हुआ, जिसने इतना सहन किया, जिसने इतना सहन किया। वो फिर तीसरी बार गिरा, तीसरी बार गिरा, तीसरी
तीसरी बार गिरा। नोवा विश्राम, यीशु तीसरी बार गिरते हैं। हे ख्रिस्त, हम तेरी आराधना करते हैं और तुझे धन्य मानते हैं, क्योंकि तूने अपने दुख भोग मरने व पुनर्उत्थान द्वारा दुनिया को बचाया है। संसार का मुक्तिदाता क्रूस ढोते ढोते इतना निर्बल हो गया कि पुनः वह तीसरी बार क्रूस के नीचे गिरा। बेसहारा कलवारी पहुंचने के पहले बेजान जख्मी शरीर को लेकर वह भूमि पर मुंह के बल गिर पड़ा। हे यीशु मेरे गुरु, मुझे अपने जैसा बना, जीवन की परेशानियों से घिरे हुए लोगों को बचा। हम पापी मानव जाति के लिए ही तेरा पवित्र लहू बेहिसाब बहा। हे प्रभु दया कर मुझ पापी पर दया कर मृत विश्वासी परमेश्वर की दया से स्वर्ग का अनंत सुख प्राप्त करें। आमीन। गिरते संभलते पहुंच गया कलवारी पर यीशु के कपड़े खींच गए। जिसने सबको माफ किया उसका ही सबने उपहास किया। उपहास किया, उपहास किया। दसवां विश्राम, सैनिक यीशु के कपड़ों को उतारते हैं। हे ख्रिस्त, हम तेरी आराधना करते हैं और तुझे धन्य मानते हैं, क्योंकि तूने अपने दुख भोग मरने व पुनर्उत्थान द्वारा दुनिया को बचाया है। कष्ट से छटपटाते देखकर तेरी हंसी उड़ाई गई, फिर भी तूने मानव प्रेम की खातिर कुछ न कहा। सहनशीलता, विनम्रता और दयालुता से घृणा को सहा और पापियों के लिए स्वर्ग के द्वार खोल दिए। हे यीशु मेरे गुरु, मुझे अपने जैसा बना, दुख दर्द और कष्ट में मेरा साथी बन जा। तेरे शरीर के हर घाव मेरे पाप की चोट है, मेरे पापों को मिटाकर मुझे नया बना जा। हे प्रभु दया कर मुझ पापी पर दया कर हे प्रभु दया कर मुझ पापी पर दया कर। मृत विश्वासी परमेश्वर की दया से स्वर्ग का अनंत सुख प्राप्त करें। आमीन। आमीन।
के काट पर लेटा दिया, क्रूस के काट पर लेटा दिया, हाथों और पांवों में कीले ठोका गया। जिसने सबको सहारा दिया, जिसने सबको सहारा दिया, उस ईश्वर के पुत्र को क्रूस पर ठोका गया। क्रूस पर ठोका गया, क्रूस पर ठोका गया। ग्यारहवा विश्राम, यीशु क्रूस पर ठोके जाते हैं। हे ख्रिस्त, हम तेरी आराधना करते हैं और तुझे धन्य मानते हैं, क्योंकि तूने अपने दुख भोग मरने व पुनर्धान द्वारा दुनिया को बचाया है। तेरे शरीर के घावों से चिपके कपड़ों को निर्दयता से खींचा गया, हथौड़ों की मार से नुकीले किले तेरे हाथों और पैरों में धसा दिया, भयंकर दर्द से तेरा शरीर कांप उठा। ये कितना असीम प्यार है जो तूने हम पापी मानव से किया। हे यीशु मेरे गुरु, मुझे अपने जैसा बना, हमें पापों से घृणा करना सिखा। तूने कहा था, जब मैं पृथ्वी से ऊपर उठाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। कई लोग तुझे नहीं जानते हैं, उनमें भी तू सत्य की ज्योति जला। हे प्रभु दया कर, दया कर, मुझ पापी पर दया कर, दया। मृत विश्वासी परमेश्वर की दया से स्वर्ग का अनंत सुख प्राप्त करें। आमीन। आसमां और धरती के बीच, आसमां और धरती के बीच, तूने क्रूस पे अपना प्राण दिया। जिसने सबको गले लगाया, जिसने सबको गले लगाया, उस गुरुवर को आज मार दिया। मार दिया, मार दिया। बारहवा विश्राम, यीशु क्रूस पर मर जाते हैं। हे ख्रिस्त, हम तेरी आराधना करते हैं और तुझे धन्य मानते हैं, क्योंकि तूने अपने दुख भोग मरने व पुनर्धान द्वारा दुनिया को बचाया है। तीन घंटों तक तू क्रूस पर लटका रहा, दर्द, प्यास और घोर निंदा तू सहता गया, धरती और आसमां भी कांप उठा जब तेरे जिस्म से प्राण गए। हे मेरे यीशु, हे मेरे प्रभु, मुझे अपने जैसा बना, तेरे सर पर कांटों का ताज सजाया, हाथों और पैरों में कीले ठुकवाया, शरीर को तेरे छलनी कर दिया, और तूने अपने प्राण देकर मुझ पापी को मुक्ति दिलाई।
हे प्रभु दया कर मुझ पापी पर दया कर मृत विश्वासी परमेश्वर की दया से स्वर्ग का अनंत सुख प्राप्त करें। आमीन। क्रूस से उसको उतारा गया माँ की गोद में उसको रखा गया। जिसने लालन पालन किया उस माँ का ना जाने क्या हाल हुआ। क्या हाल हुआ क्या हाल हुआ तेरहवा विश्राम यीशु क्रूस पर से उतारे जाते हैं। हे ख्रीस्त हम तेरी आराधना करते हैं और तुझे धन्य मानते हैं क्योंकि तूने अपने दुख भोग मरने व पुनर्थान द्वारा दुनिया को बचाया है। भाले की वार से तेरा दिल छेदा गया जहां से प्यार भरे लहू की धारा फूट निकली। ये तेरा प्यार माँ के दिल में तलवार की तरह उतर गया जिसका जिक्र सिमोन ने मंदिर में कभी किया था। हे यीशु मेरे गुरु मुझे अपने जैसा बना कलीसिया की सेवा में मुझे लगा। यीशु तेरे दुख भोग और मरण का भागी होकर मैं पुनरुत्थान का सहभागी बन जाऊं ऐसा वर मुझे दिला। हे प्रभु दया कर मुझ पापी पर दया कर हे प्रभु दया कर मुझ पापी पर दया कर। मृत विश्वासी परमेश्वर की दया से स्वर्ग का अनंत सुख प्राप्त करें। आमीन। इतिहास के पन्नों में लिखा गया तेरे अमर प्रेम की दास्तां। जिसने मृतक को जिलाया था उस यीशु की लाश को कब्र में रखा गया। कब्र में रखा गया कब्र में रखा गया। चौदहवा विश्राम यीशु की लाश कब्र में रखी जाती है। हे ख्रीस्त हम तेरी आराधना करते हैं और तुझे धन्य मानते हैं क्योंकि तूने अपने दुख भोग मरने व पुनर्थान द्वारा दुनिया को बचाया है। कुवारी मरियम और
और शिष्यों ने पवित्र देह को दफनाया जिसने मानव मुक्ति का कार्य पूरा किया। एक बाघ की खुदी हुई चट्टान में समा गया जो शरीर छालटी के कफन में लिपटाया गया। हे यीशु मेरे गुरु, मुझे तेरे जैसा बना, तेरे दुखों और मरण का मुझे गवाह बना। तेरा शरीर कब्र में केवल 3 दिन रहा, मुझे भी मेरे पवित्र मरण के लिए तैयार कर। हे प्रभु दया कर, दया कर मुझ पापी पर, दया कर, दया कर। हे प्रभु दया कर मुझ पापी पर, दया कर। मृत विश्वासी परमेश्वर की दया से स्वर्ग का अनंत सुख प्राप्त करें। आमीन। हम सब घुटने टेक कर प्रार्थना करें हमारे संत पापा पोप के और कलीसिया के सारे मनोरथों को यीशु के पवित्र क्रूस पर बहे लहू को समर्पित करते हुए कहें। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन।